हाँ जी उसका नाम हेलीकॉप्टर ही होगा हैं? हेलीकॉप्टर तो यहाँ होता है और यहाँ के हेलीकॉप्टर को दुर्घटना भी होती है, वहाँ तो जो भी होगा दुर्घटना रहित तो होगा। सतो प्रधान होगा या तमो प्रधान होगा? सतो प्रधान होगा। तो सतो प्रधान में कोई भी प्रकार का दुख हो ही नहीं सकता। शास्त्रों में भी दिखाते हैं, जो विमान दिखाए हैं वो पक्षियों के आकार के दिखाए हैं या आज के जैसे दिखाई जाती है वैसे दिखाए हैं? हैं? पक्षियों के आकार के दिखाए। तो वहाँ ऐसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर पक्षी होंगे, वो ही विमान के रूप में रूप होंगे, इशारे को समझेंगे। दुर्घटना उनकी होगी नहीं। जो बोलेंगे भाषा बोलेंगे वो तो सीखना पड़ेगी ना। और भील कहते हैं जो जंगल में रहते हैं और अर्जुन और अर्जुन के जो भी साथी थे पढ़ाई पढ़ने वाले वो सब राज परिवार के रहने वाले थे। राज परिवार के रहने वालों से भील जो जंगल में रहता था जिसको पढ़ाई पढ़ना पढ़ाने वाला प्रैक्टिकल में कोई नहीं दिखाई पड़ता था, वो तीखा चला गया। ये कैसे हो सकता है? ये भावना की बात है, श्रद्धा विश्वास की बात है। कहते हैं विश्वासम फलदायकम। अर्जुन और उनके साथियों को इतना विश्वास नहीं था और भील को इतना विश्वास बैठ गया कि गुरु की जड़ मूर्ति बनाई और उसके सामने अभ्यास किया। अर्जुन से भी बाण चलाने में ज्यादा तीखा चला गया। बातें कहाँ की हैं? है? जरूर ये संगम युग की बातें हैं। जो राम वाली आत्मा है वो ज्ञान के बाण चलाने में क्या कोई प्रैक्टिकल गुरु से सीखती है? प्रैक्टिकल में कोई उसका गुरु होता है? साकार में कोई गुरु होता है? नहीं होता है। और उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों का प्रैक्टिकल में कोई गुरु था या नहीं था? था।
परंतु राम वाली आत्मा जिसे ठुकरा दिया जाता है वो तीखी चली जाती है। और राजयोग हम सीखेंगे, राजयोग क्या बोला? राजयोग कैसे सीखेगा? राजयोग कैसे सीखेगा? जैसे परमात्मा बाप हमें सिखाएगा वैसे सीखेगा। सीखेगा या सीख रहे हैं? उसमें राज भरा हुआ है। ऐसा युग है जिसमें राज भरा हुआ है जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त करने का। वो राजाएं होते हैं हिंसक युद्ध करते हैं फिर राजाई प्राप्त करते हैं, और एक जन्म के लिए राजाई प्राप्त करते हैं, और हम जो राजयोग सीखते हैं परमपिता परमात्मा से, वो ऐसा अहिंसक राजयोग सीखते हैं कि हमारी कोई स्थूल युद्ध नहीं है, स्थूल अस्त्र शस्त्र नहीं है, हमारी माया की लड़ाई है। हम कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, जिसके लिए शास्त्रों में भी गायन है, मन जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। बाप ने हमको बताया है कि कोई धन संपत्ति माया नहीं है, ये हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही माया है। इस माया को अगर हम जीतेंगे तो इस राज को जानने से हम जन्म जन्मांतर के बड़े बड़े राजाएं बनेंगे। हमारी आत्मा अनेक जन्मों के लिए पावरफुल बन जाएगी। और ये राज हम किससे सीखते हैं? इंद्रियों को कंट्रोल करने का है, कोई मनुष्य गुरु से नहीं सीखते हैं। हम उससे सीखते हैं जो आकर के हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है। और अंत के भी अंत के जन्म में सन 36 में आया, उसको अंत के भी अंत का जन्म कहेंगे? क्या कहेंगे? हैं? नहीं कहेंगे। अंत के भी अंत का जन्म तो तब कहें जब के लिए बोला है तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं कम से कम। वो कब पूरे होते हैं? हैं? 2016-17 में पूरे होते हैं। तो अंत के भी अंत का जन्म हो गया। उस समय कृष्ण वाली आत्मा अर्थात दादा लेखराज वाली आत्मा सात्विक बनेगी या नहीं बनेगी? वो भी सात्विक बनेगी। और राजेंद्र जी आज
अभी सेवा में आगे है या नहीं है कृष्ण की आत्मा? जानेगी तब आगे होगी या बिना जाने आगे होगी? ज्ञान होगा तो दूसरों को देगी। अभी वर्तमान में कहें कि कृष्ण की आत्मा को पक्का निश्चय है कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज वाली आत्मा नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, ये एक अज भूल है। कृष्ण वाली आत्मा के अंदर है, इसका ज्ञान है कि ये भूल है? है नहीं है? तो जिसके अंदर खुद ही ज्ञान नहीं है वो दूसरों को ज्ञान कैसे देगा? हाँ, वो भी सेकंड आएगा जब कृष्ण की आत्मा भी इस बात को समझ लेगी, और वो भूल सुधरते ही ज्ञान चंद्रमा संपन्न बन जाएगा। और अपना पाप तो बन गया कैसे? अपना अपना पाप को निशाने का कैसे? संशय वाली बातें क्यों करते हो? हैं? भगवान आया है कि नहीं आया है? हैं? अगर आया है तो भगवान तो सब शक्तिवान है। जिस आत्मा के अंदर है ये विश्वास बैठ गया कि भगवान आया हुआ है सुधार करने के लिए, अभी तक जन्म जन्मांतर हमारा पाला पड़ा मनुष्य आत्माओं से, मनुष्य गुरुओं से, वो हमारी आत्मा को संपन्न नहीं बना सके, पावन नहीं बना सके। और अभी तो हमको निश्चय है कि भगवान बाप आया हुआ है, तो आत्मा संपन्न बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी, ये प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ये प्रश्न उनके लिए पैदा होता है जिन्होंने अभी ये निश्चय नहीं कर पाया कि भगवान आया है या नहीं आया है। और भाई पारिजात फूल होता है क्या जो त्रिदेवा का? नाम क्या है उसका? पारी माने क्या और जात माने क्या? जात माने पैदा हुआ, पारिजात माने परे थे परे पैदा हुआ। पारिजात वृक्ष है, कौन से लोक में दिखाया जाता है? हैं? अरे इंद्र लोक में पारिजात दिखाते हैं ना, स्वर्ग लोक में। वो लोक परे से परे है, हमारी पहुंच के परे है या नहीं है? कहेंगे स्वर्ग परे के परे है, और परम नाम भी परे के परे है। जहां ये फूल पैदा होते हैं, और इसको कोर्स कराया वो कितना दिन के बाद भट्ट में भेजे? कोर्स कराया, इसको कोर्स कराता रहना है, उसको कितना दिन बाद भट्ट में भेजे? में हैं। कितने दिन के बाद?
ये तो कोर्स कोर्स लेने वाले की धारणा के ऊपर है। कंप्लीट हो जाएगा कोई तो दो दिन में भी पूरा कोर्स ले लेते हैं और होशियार बन जाते हैं, कोई कोर्स लेते रहते हैं और कई दिनों के बाद उनको निश्चय नहीं होता कि भगवान आया हुआ है। जिनको जल्दी धारणा हो जाती है, जल्दी निश्चय हो जाता है, उनकी निशानी क्या होती है? हाँ, वो बाबा से मिलने के लिए उतावला हो जाएगा। और दूसरी बात, जो सुनेगा वो दूसरों को सुनाए बगैर रह नहीं सकेगा। अगर ये दो निशानियां देखने में आती हैं, तो उसे जल्दी भी भक्ति करने के लिए परमिशन दी जा सकती है। जिसको चाह होती है उसको राह जरूर मिलती है। ऐसे नहीं उसको हम पैसा देंगे तभी उसको राह मिलेगी, नहीं। थोड़ी बात नहीं सोच रहा है। कितना भी गरीब हो, ईश्वर से मिलने के लिए कोई पैसे की वजह से रह जाए ऐसा हो नहीं सकता। और राधा कृष्ण ने रास किया था, उसमें शंकर प्रवेश किया, रास बंद हो गया। शंकर प्रवेश किया रास मंडली में, शंकर क्या किया, रास प्रवेश किया, कुछ टाइम लिया, या बाबा की मुरली या बेतवानी या क्लैरिफिकेशन से उठाया है, बात कहाँ से उठाई है? भक्ति मार्ग से उठाई, बंद हो गया क्यों सर? ज्ञान किसके पास है? ज्ञान कृष्ण के पास है, कृष्ण की गोपियों के पास है या शिव के पास है? उन्होंने तो शंकर को शिव समझ लिया, लेकिन वास्तव में जहाँ शिव होता है वहाँ इसे स्थूल राशि की बात हो सकती है। शिव कौन सा रास करना सिखाते हैं? संस्कारों के मेल का रास सिखाते हैं। संस्कार मिलन हुए माना हमारी रास पूरी हो गई। जैसे दिखाते ना 12 राशियां, 12 प्रकार की राशियां। अब 12 प्रकार ना रह जाए, एक ही राशि हो जाए। और सोम कहते हैं चंद्रमा को, और नाथ कहते हैं स्वामी को। चंद्रमा का स्वामी जैसे बैल होता है, बैल की नाक में नकेल डालते हैं उसको कहते हैं नाक।
अब जिसने नकेल डाली है वो उसका स्वामी हुआ या नहीं हुआ है? बैल की नाक में जिसने नकेल डाली या डलवाई वो उस बैल का स्वामी हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ऐसे ही ये ज्ञान चंद्रमा, उसको सोम कहा जाता है। उसे ज्ञान चंद्रमा कहो, ब्रह्मा कहो, उसके मुख से जो ज्ञान का रस निकलता है वो सोम रस है। कहते हैं वो सोम रस देवताओं ने पिया, जो पीते हैं वो देवता बनते हैं। तो वो सोम चंद्रमा का नाम हुआ, वो चंद्रमा अधूरा भी है संपूर्ण भी है। अधूरा होता है तो भक्ति मार्ग में कहते हैं राहु उसको ग्रसित नहीं करता है, वक्र है, टेढ़ा है। जब संपूर्ण बनता है तो राहु उसको ग्रस्त है। इसका मतलब ये हुआ कि जब फास्ट पुरुषार्थ हो जाता है, हमारा पुरुषार्थ जितना तीव्र होता जाता है माया भी उतना बड़ा रूप धारण करके हमारे सामने आ जाती है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, पढ़ाई पढ़ने वाला है, वो पढ़ाई पढ़ने वाला स्टूडेंट बहुत शैतान है। जल्दी टीचर के अंडर में आने वाला नहीं है और टीचर निराकार है कि साकार है? हैं? हैं? साकार है। कौन सी आत्मा साकार है? टीचर की आत्मा साकार है या टीचर जिसमें प्रवेश करता है वो साकार है? वो साकार है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो भी पढ़ाई पढ़ने वाला है या पढ़ाने वाला है? वो भी पढ़ने वाला है। पढ़ाई पढ़ाने वाली आत्मा तो निराकार है ना? तो जो निराकार आत्मा है जिसको पढ़ाती है वो साकारी शरीर धारण करने वाली आत्मा है। देह अभिमानी है या आत्मा अभिमानी है? है? देह अभिमानी है। तो उस देह अभिमानी को आत्माभिमानी बनाना, ये आत्मा के ही द्वारा संभव हो सकता है या आत्मा शरीर में प्रवेश करे तब संभव हो सकता है? हैं? शरीर में प्रवेश करे तब ही संभव हो सकता है। तो राम वाली आत्मा में प्रवेश करके वो उस चंद्रमा को कंट्रोल करती है। इसलिए मुरली में बोला है कि मैं कोई जानवर में नहीं प्रवेश करता हूँ। मैं जानवर में आऊँगा क्या? जानवर को पढ़ाई पढ़ाऊँगा क्या कि मनुष्य को पढ़ाऊँगा? और मनुष्य किसे कहा जाता है? है? जो मनन चिंतन मंथन करे। बैल मनन चिंतन मंथन करता है क्या? नहीं। तो शिव प्रवेश करते हैं शंकर में और शंकर प्रवेश करता है, सवारी करता है बैल पर। परंतु बैल पर
पुरुषार्थ पूरा होने से पहले ही सवारी कर लेता है या पुरुषार्थ पूरा होने के बाद सवारी करता है? हैं? पुरुषार्थ जब पूरा होता है तब ही शंकर बैल के ऊपर सवारी कर सकता है। जब सवारी कर लेता है तब कहा जाता है सोमनाथ। सोम माने चंद्रमा का भी नाथ, उसको भी कंट्रोल करने वाला। बैल का रखता है क्यों रखता है? मंदिर में बैल रखता है क्यों? इसीलिए रखता है कि जो बैल है वो शिव को नहीं देखता है। बैल जो रखा जाता है वो नाली के सामने रखा जाता है, उसका मुख जो है वो शिव के सन्मुख है या नाली के सन्मुख पहले है, तो बैल को क्या दिखाई पड़ता है? बैल जानवर है या मनुष्य है? जानवर है। जानवर को जानवरियत ही दिखाई पड़ेगी या भगवान को देखेगा? भगवान को पहचानेगा? हम जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, और साक्षात्कारों का अर्थ उन्होंने नहीं समझा, गुरुओं के पास गए, वाराणसी में विद्वानों आचार्यों के पास गए, उनको कहीं भी समाधान नहीं मिला, लास्ट में अपने भागीदार के पास पहुंचे और वहां से उनको समाधान मिल गया। जिससे समाधान मिला उसको उन्होंने भगवान के रूप में पहचाना क्या? क्यों? तो बुद्धि है ना, वो तो नहीं, इसलिए नहीं पहचाना कि जिससे उनको समाधान मिला वो उनकी दुकान का नौकर था, दिमागदारी था, दास दासी था। तो अहंकार बुद्धि में जब तक है तो अहंकारी मेरे को नहीं पहचान सकता। वो देह अहंकार उन्हें भगवान की पहचान नहीं लेने देता। उनको भी नशा कब चढ़ा जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम रख दिया। सन 36, 37, 40, 42 में तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम नहीं रखा। कब नाम रखा? है? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, खून की नदियां बहने लगी थी, जिन कन्याओं माताओं को सिंध हैदराबाद में 7-7 तालों के अंदर रखा गया था, वो उस खून खराबे के बीच में ब्रह्मा बाबा के पास भाग खड़ी हुई टोलियां बना करके, 300-400 की तादाद में आनन फानन इकट्ठी हो गई। सन 47 की बात है, तो ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ गया। काहे का नशा चढ़ा? शिव का नशा चढ़ा या पार्वतियों का नशा चढ़ा? तुम सब पार्वतियां हो, किसका नशा चढ़ा? है? पहले मुरली नहीं चलाते थे, बाप लिखाते थे अमृत बेले और ये बैठ करके लिखते थे, वाणी नहीं चलाते थे। और उस समय ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम भी नहीं रखा गया था। कोई ब्रह्मा ब्रह्मा के रूप में पहचानता भी नहीं था। फिर 47 से बुद्धि में आया कि मैं ब्रह्मा हूं, और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की फाउंडेशन पड़ा। दिल्ली में आते आते ब्रह्मा कुमारी विद्यालय आउट कर दिया नाम।
अम्मा का विद्यालय हुआ, अम्मा का नाम रोशन हुआ, बाप का नाम गायब। तो ब्रह्मा वाली सोल, दादा लेखराज वाली सोल भगवान से प्रभावित हुई या कन्या माताओं से प्रभावित होकर उमंग उत्साह बढ़ गया है? किससे प्रभावित हुई? कन्या माताओं से प्रभावित हुई। चंद्र ग्रहण भी जब पड़ता है तो चंद्रमा के ऊपर किसका परछाया पड़ता है? धरती माता का परछावा पड़ता है। धरती माने कन्या माताएं, वो कन्या माताओं के प्रभाव में आता है। जिस हिस्से पर पृथ्वी का परछाया पड़ता है वो हिस्सा चंद्रमा का दिखाई नहीं पड़ता। कहते हैं चंद्रग्रहण हो गया। तो ये जो बैल दिखाया गया है ये नाली के सन्मुख क्यों दिखाया जाता है? किससे प्रभावित है? शिव से प्रभावित है, शिव को पहचानता है या नाली को पहचानता है? है? नाली दिखाई नहीं है सामने। और भारत के शास्त्र में राम कृष्ण की आत्मा को धरणी का आधार लिया दिखाया गया है। तो ये भारतवासी आत्माएं हुए। तो मुरली में बाबा ने बोला कि जब तक कन्या माता का आधार नहीं लेंगे तो भारतवासी का उद्धार नहीं होगा। बाप आए हैं किसके लिए? ज्यादा दुखी कौन है? भारत के कन्या माताएं ही ज्यादा दुखी हैं। तो जो ज्यादा दुखी हैं उन्हीं को पहले सुखी करता है। तो बाबा उनका आधार लिए बिना हम लोग का भी उद्धार नहीं होगा। तो बाबा जो आत्माएं भारतवासी होने का जिसका इच्छुक है, इच्छे है और राम कृष्ण वाली आत्मा को फॉलो करने वाले हैं तो उनको तो वो धरती माता का विश्वास को जीतना पड़ेगा। शिव आता है, शिव तो आत्मा है, इसका आधार लेता है? किसका आधार लेता है ज्ञान का बीज डालने के लिए? नहीं, ज्ञान का बीज डालता है उसके द्वारा, माता के द्वारा ज्ञान का बीज डालता है? नहीं। अगर माता के द्वारा ज्ञान का बीज डाला होता तो शास्त्रों में ये बात प्रसिद्ध नहीं होती। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, छोटा मोटा ब्रह्म नहीं, महत ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो गुरु दलाल के रूप में कौन है साकार, जिसका परमात्मा पहले पहले आधार लेता है? हैं? प्रजापिता हुआ। तो इनको अपना उद्धार करना है माता। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। अर्घ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो माता और पिता दोनों लागू होता है या नहीं लागू होता है? दोनों ही लागू होता है। और भीमेश्वर नाम क्यों पड़ा? भीमेश्वर नाम क्यों पड़ा? भीम माने भयंकर और ईश्वर माने उसके ऊपर है ईशत्व, है कंट्रोल करने वाला। जो भीम के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसको भी कंट्रोल करने वाला, इसलिए उसका नाम पड़ा है भीमेश्वर। शिशुअस्त्र, भले शिशुअस्त्र
शिशु 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 क्या कह रहे हैं समझा? शिशुआ सर शिशु शिशु होते ना छोटा बच्चा, छोटा बच्चा होता है शिशु, ये उसका एक नाम लगता है शिशुएश्वर है तो कृष्ण तो बच्चा है ही और उसका ईश्वर तो है ही, इसमें नई बात क्या है? बाबा हनुमान की पूंछ पर जब आग लगाई गई तो सारी लंका जल गई। हनुमान की पूंछ पर जब आग लगाई गई तो सारी लंका जल गई। तो जल गई मतलब बाबा का देहवान जल गया ना असुरों का? बाबा का देहवान जल गया नहीं असुरों का। हाँ देहवान जल गया, पूछ किसे कहा जाता है? देवान की पूछ है। वो देवान सबसे जास्ती कौन से अंग में होता है जो कंट्रोल करने पर भी नहीं कंट्रोल कर पाता मनुष्य? अरे मनुष्य का कौन सा अंग है जिसमें सबसे जास्ती देह अभिमान होता है? आँख को कंट्रोल नहीं कर पाता है। कामेंद्रिय वो कामेंद्रिय रूपी ही पूछ है। जो पूछ है कृष्ण के मस्तक पर दिखाते हैं वो कौन सी पूछ है? मोर की पूछ है। उस मोर की पूछ में क्या खासियत होती है? देखने में बड़ी सुंदर लगती है और अनुभव करने में भी स्पर्श करने में बहुत कोमल होती है। वो पूंछ का ही डांस करता है। अनुभव करने में कोमल है या हार्ड है? कोमल है। किस आधार पर कोमल है? है प्योरिटी है। प्योरिटी माने पवित्रता है। पवित्रता के आधार पर कोमल है। दुख देने वाली नहीं है, सुख देने वाली है। तो कृष्ण वाली आत्मा जब सतो प्रधान है तो पूंछ कैसी है? पवित्रता के आधार पर कोमल पूंछ है, सुख देने वाली। और जब तमो प्रधान है तो बंदर की पूंछ है। जो बंदर की पूछ है उसके लिए बोला है। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। ऐसे भक्ति मार्ग में बोल देते हैं। तेल बोर पट बांध कर पावक दई लगाए। उस पूछ को तेल में डुबो दिया। अब शुद्धता तेल में ज्यादा होती है या घी में ज्यादा होती है? घी में ज्यादा शुद्धता होती है। घी में नहीं बोरी गई, डुबोई गई। काहे में डुबोई गई? तेल में डुबोई गई। यानी ईश्वरीय ज्ञान को शास्त्रीय ज्ञान से जब टैली करके मनुष्यों के सामने रखा जाएगा तो वो शुद्ध घी है या
शास्त्रों की भाषा है, शुद्ध घी है, जिसका अर्थ मनुष्यों के पल्ले ही नहीं पड़ा। आज दुनिया के लोग शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, या ब्रह्मा के मुख से डायरेक्ट निकले हुए वेद पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हैं? शास्त्र पढ़ते हैं। शास्त्र वेदों की व्याख्या है। तो असली चीज क्या है? असली चीज वेद हैं या शास्त्र हैं? वेद हैं। और मुरली क्या है? मुरली ही वेद है, लेकिन मुरली के रहस्य को किसी ने समझा ही नहीं। वो समझाने के लिए फिर इधर उधर के मिसाल देने पड़ते हैं, शास्त्रों से टैली करके समझाना पड़ता है। जो आज के गुरु लोग कहते हैं ब्रह्मा भी उतरा है, तो भी हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। तो शास्त्रीय ज्ञान मिक्स हो जाने के कारण वो तेल हो गया, ग्रत नहीं है। ब्रह्मा बाबा के मुख से जो डायरेक्ट निकला वो शुद्ध घृत है, लेकिन उस घृत को किसने पचाया? कोई मनुष्य है जिन्होंने पचाया? अरे कौन है? कोई मनुष्य माने ढेर के ढेर मनुष्य हैं या एक ही है? एक ही है। तो जो एक है उसमें प्रवेश करती है कृष्ण वाली आत्मा, और वो मनुष्य सृष्टि का बाप जो एक ही बाप है, ब्रह्मा की सारी वाणी को हृदयंगम करता है, वो बाप कृष्ण बच्चे को साथ लिए बगैर वापस जा सकता है? है? नहीं जा सकता। कोई भी बाप अगर सच्चा बाप है और घर में आग लगी हुई है, तो जब तक अपने बच्चे को नहीं निकाल लेगा तब तक खुद घर से बाहर नहीं भाग सकता। ऐसे ही इस दुनिया में आग लग रही है इस भंबोर को, इस आग लगते हुए भंबोर में से पहले खुद को निकालेगा या बच्चे को निकालेगा? है? पहले बच्चे को निकालेगा। बच्चा आगे, बच्चे को सर माथे पर रखते हैं। क्यों? प्रॉपर्टी किसको देनी है? सारी जिंदगी की कमाई हुई किसको सौंपनी है? बच्चे को सौंपनी है। तो जो बच्चा है वो कृष्ण बच्चा है, और वो कृष्ण बच्चा राम वाली आत्मा के साथ भागीदार है या अकेला है? भागीदार है। तो संगमयुगी कृष्ण की बात है, कि संगमयुगी कृष्ण जब सात्विक स्टेज में आता है तो मयूर पिच्छ बुद्धि में है, मस्तक में है, और जब तामसी है तो कामेंद्रिय की बात है, वो कामेंद्रिय में पूंछ में जब काम विकार की आग लगती है तो बड़े बड़े जो असुर हैं इस दुनिया के, जो गरीबों का खून चूसने वाले हैं, मल्टी मिलियनायर्स, बहुमंजिला इमारतों के अधिपति, और सबके अंदर आग लगती है,
ऐसे नहीं कि भगवान गरीब निवाज है तो पहले गरीबों को उठाता है, तो गरीबों की ही कन्याएं माताएं भागती हैं, सिर्फ गरीबों की ही भागेंगी या सारी दुनिया में जितनी भी कन्याएं माताएं सब भगवान के पीछे भागेंगी? हैं? सब भागेंगी। कन्याएं माताएं इस दुनिया में हो गई हैं गरीब, सबसे जास्ती गरीब, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो कन्याएं माताएं कपड़े हैं जो उस पूंछ में बांध दिए जाते हैं, वो कपड़े जो हैं काहे में भिगोए गए, तेल में भिगोए गए। मुरली की बातों को शास्त्र में टैली करके जो उनको सुनाया जाता है और उनके बुद्धि में जो ज्ञान बैठे जो आकर्षित होते हैं, वो अगर शास्त्रों से टैली करके सुनाएंगे नहीं तो वो ग्रहण नहीं करेंगे, तो सुनाना ही पड़ेगा। इसलिए दिखाते हैं कि हनुमान की पूंछ में आग कब लगाई गई, जब लंका के जितने भी सुंदर सुंदर वस्त्र थे वो सारे वस्त्र उसकी पूंछ में बांध दिए गए और उसमें काम विकार की आग लगा दी गई। उसका रिजल्ट क्या हुआ? रावण की लंका जल गई लेकिन विभीषण का घर बच गया। ये विभीषण कौन था? है राम का भक्त था या दुश्मन था? है जो राम के भक्त हैं वो बच गए और बाकी सब फेर खलास हो गए। जो मुरली में बोला है तो मुझे पतित पावन सीताराम कह के बुलाते हो तो तुम ही पतित पावन बनते हो। जो मुझे पतित पावन सीताराम कह के बुलाते नहीं वो पतित से पावन बनते भी नहीं। तो राम वाली आत्मा के थ्रू जिन्होंने उस परमपिता परमात्मा को पहचाना उन्हीं के घर बचेंगे। कैसे बचेंगे? जो बोल दिया व्यक्तवाणी में कि तुम बच्चों का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो जो पूरा परिवार है वो घर परिवार ग्रस्त घर हुआ या नहीं हुआ? तुम्हारा घर बचेगा और बाकी सबके घर सब बर्बाद हो जाएंगे। बाबा वहीं पर लिखा गया देवताओं ने भी गाय की पूंछ पकड़ करके उसे विसर्जन नदी को भी पार किया, तो इसका क्या अर्थ आ जाता है? वो कौन सी गाय है जिसके शरीर में 33 करोड़ देवताएं दिखाई जाते हैं? है कामधेनु गाय है, वही कामधेनु गाय है जिसकी देह अभिमान की पूंछ पकड़ करके सारे पार हो जाते हैं। बंगाल में ये खास प्रसिद्ध है। गंगा सागर का जब मेला होता है तो वहां जो भक्ति मार्ग चलता है उसमें जाके कोई भी देखे गाय की पूंछ पकड़ करके पार होने का प्रयास करते हैं। है कहां की बात? संगम की बात है। राज करेगा खालसा, किसके ऊपर राज करेगा? है सारी दुनिया के ऊपर राज करेगा। सूर्यवंशी आत्माएं भी चपेट में आ जाएंगी या नहीं आ जाएंगी? वो भी चपेट में आ जाएंगी। बाबा कुछ क्षण के लिए आएंगे ना, लंबे समय। कक्का चोर सो नक्का चोर। और बाबा इसमें मुरली में बोले गए हैं जब बलराम हल चलाता था तब
नदियों की पानी रुक जाती थी, क्या मानोगे? नदियाँ कौन है? कन्या माता है। तो कन्या माता है उनके ऊपर, उनका जब धरणी चीरी जाएगी तो उनकी बुद्धि धरणी में जाएगी या आत्मा में जाएगी? कहाँ जाएगी? धरणी में बुद्धि जाएगी। धरणी में जब बुद्धि जाएगी तो देह अभिमानी बनेंगे या आत्मा अभिमानी बनेंगे? देह अभिमानी बनेंगे। तो जल का विचरण रुकेगा या विचरण होता रहेगा? बुद्धि में ज्ञान चलता रहेगा, मनन चिंतन मंथन चलता रहेगा, या ज्ञान जल की धारा रुक जाएगी? रुक जाएगी। तो वह फिर कब चलेगी? हैं? फिर कब प्रभाव शुरू हो जाएगा? वो हल चलना बंद होगा तो फिर प्रभाव चालू हो जाएगा। क्या समझ पाया क्या कह रहे हैं? त्रेता युग में तेरे नारायण नहीं होते हैं, तेरे राम होते हैं। तेरह जन्म त्रेता में, इसलिए उसका नाम त्रेता पड़ गया। द्वादश जन्म नहीं, कितने जन्म? तेरह जन्म। कौन सी आत्माओं के? नहीं, जो ब्रह्मा जैसी आत्माएं हैं। राम वाली आत्मा का तो एक जन्म संगम युग में पहले ही साकार शरीर से हो गया, हुआ या नहीं हुआ? हैं? अरे राम वाली आत्मा का एक जन्म संगम युग में हो गया ना, तो त्रेता में 13 जन्म होंगे या 12 जन्म होंगे उनके? बाकी कृष्ण वाली आत्मा को साकार जन्म नहीं मिलता संगम युग में, सतो प्रधान, इसलिए वो एक जन्म वहां बढ़ जाता है और उनका ही नहीं बढ़ता। उनको फॉलो करने वाले जो भी चंद्रवंशी इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि हैं सभी का एक जन्म बढ़ जाता है, इसलिए त्रेता में 13 जन्म कहे गए। विश्वास देना पड़ेगा। बाबा भगवान है, अंतर्यामी है, अंतर्यामी भगवान है या बहिर्यामी है? तो अंतर्यामी जान नहीं सकता कि सच्चाई क्या है, तो तुम्हें काहे की चिंता है? जो झूठे लोग रिपोर्ट देते हैं उनका ज्यादा महत्व तो बढ़ जाएगा, झूठों का महत्व तो बढ़ा रहेगा भगवान के आने के बावजूद भी। क्या होती है? उनकी आसुरी शक्ति ज्यादा होती है भगवान से, ज्यादा होती है। किसका विश्वास डगमगा जाता है? जो रावण के प्रभाव में आते हैं उनका प्रभाव विश्वास डगमगा जाता है, या जो भगवान के प्रभाव में रहते हैं उनका विश्वास डगमगा जाता है? और कैसे मालूम पड़े हम ठीक पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या करना है, मतलब क्या हो? खुशी बढ़ती है, उमंग उत्साह बढ़ता है, माना हमारा अच्छा पुरुषार्थ है। खुशी बढ़ नहीं रही है और उमंग उत्साह आ नहीं रहा है, इसका मतलब पुरुषार्थ डाउन हो रहा है, चढ़ती कला नहीं है। चढ़ती कला है कि डाउन कला है? चढ़ती कला है तो खुशी बढ़ेगी और ईश्वरीय सेवा बढ़ेगी। चढ़ती कला माना
चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। अगर सर्व का भला करने में लगे हुए हैं, अपनी चिंता छोड़ दी है कि अरे हम इसी में लगे रहेंगे, दूसरों के पीछे लगे रहेंगे तो हमारा क्या हाल होगा, तो अपनी चिंता हुई या विश्व के कल्याण में लगे हुए हैं? विश्व के कल्याण में लगे हैं। नहीं, जिसको अपनी चिंता है वो विश्व कल्याण कैसे करेगा? हमको चिंता नहीं है। नहीं है? हम चाहता है हम भारतवासी को सबको लेके बाहर खुद में फंसा देगा, मतलब ज्ञान में पकड़ देगा। हाँ, फंसा देगा माना भगवान हमको निकालने में सक्षम नहीं है। सक्षम है या नहीं है? है? सक्षम है। अगर भगवान सक्षम है और वो हमको मिला हुआ है, हमको सपोर्ट दे रहा है, तो हमें इसकी क्या चिंता है? अगर चिंता है तो इसका मतलब हम किसके पंजे में हैं? हैं? नहीं, बाबा के पंजे में नहीं है। जो बाबा के पंजे में होते हैं उनको चिंता नहीं होती, निश्चिंत होते हैं। निश्चय की निशानी निश्चिंत, ये निशानी है निश्चय बुद्धियों की। निश्चिंत होकर के पुरुषार्थ करेंगे, जो होगा क्या होगा, जो होगा वो अच्छा होगा। ड्रामा कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? ड्रामा कल्याणकारी। बाबा, ईश्वरीय कार्य में सफलता पाने के लिए, ईश्वरीय कार्य में सफलता पाने के लिए बाबा महत्वपूर्ण है या बाबा की याद महत्वपूर्ण है? परंतु बाबा तो हर समय प्रैक्टिकल रूप में साथ रहता नहीं। लक्ष्मी के प्रैक्टिकल साथ में रहता है या नहीं रहता है? परमात्मा पार्टधारी लक्ष्मी पार्टधारी के साथ प्रैक्टिकल में रहता है या नहीं रहता है? फिर रिजल्ट क्या आता है? वो लक्ष्मी अष्ट देवों की लिस्ट में आती है या नहीं आती है? आती है। तो क्या समझेंगे? हाँ, याद ही सर्वोपरि है। बाबा, इसी को भक्ति मार्ग में दिखा दिया, राम से बड़ा राम का नाम है। भक्ति मार्ग में नाम कहते हैं क्योंकि वो काम को नहीं जानते, और ज्ञान मार्ग में हम जानते हैं कि काम के आधार पर नाम पड़े हैं शास्त्रों में। तो हमें काम को जानना है या नाम को रटना है? काम को जानना है। काम क्या किया? बाबा अभी गोवर्धन पर्वत को रक्षा करने के लिए आए हुए हैं। गोवर्धन को रक्षा करने के लिए नहीं आए, गोवर्धन पहाड़ के आधार पर भारतवासियों की रक्षा करने आए हैं। गोवर्धन पहाड़ को कनिष्ठिका से उठाया तो सब भारतवासियों की रक्षा हो गई। जो गोवर्धन गाय जैसी आत्मा बाबा की बन गई, शिव शक्ति बन गई, उनकी दोस्त त्रुटियां देखना, उनको अपमान करना, इस लिस्ट में हम परचिंतन क्यों करें? कोई क्या करता है, जैसा करता है वैसा पाएगा, हम उनका चिंतन क्यों करें? वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हम तो उनका चिंतन भी न करें। क्योंकि बाबा बोलते हैं कि सिंह की शक्तियाँ बन गई, बन गई, खाना पैसे नहीं है, दोस्त दुखियाँ देख लेते, कोई भी उनका दोस्त दुखियाँ देख लेते हैं। जिनका जो धंधा है सो अपना धंधा करे, हमारा जो धंधा है सो हम करेंगे। इन पर किसी भी महत्व क्या था?
पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले, उन्हें सर छुपाने की जगह नहीं मिली, और दुनिया को बड़े बड़े महल मानियां मातारियां मिल गई, कौरवों को भी मिल गई, यादवों को भी मिल गई, और पांडवों की पैदाइश किससे होती है? पंडा से। तो सबसे पहले बाप उस स्टेज से गुजरता है या पांडव बच्चे उस स्टेज से गुजरेंगे कि पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले? तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले इस स्टेज से पहले बाप पंडा को गुजरना पड़े या पांडव गुजरेंगे? पांडव बाद में गुजरेंगे। अभी बाप प्रत्यक्ष हो गया या नहीं हुआ? अभी बाप ही प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो पांडव प्रत्यक्ष हो गए होंगे क्या? पांडव भी प्रत्यक्ष नहीं हुए। जो बाप अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है उस बाप के ऊपर ये बात पहले लागू होती है कि उसे सर छुपाने के लिए तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। तीन पैर पृथ्वी माना एक पांव, दो पांव, तीन पांव। तीन पांव चौड़ाई में आदमी लेट सकता है, करवट ले सकता है। ये हालत है। एक टाइम ऐसा आने वाला है कि बच्चों की भी हो जाएगी। ये भक्ति मार्ग का आडंबर है। कौरव संप्रदाय यादव संप्रदाय का अंत तक बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जिस स्थिति से बाप को गुजरना पड़ता है उस स्थिति से बच्चों को भी गुजरना पड़ेगा। आज बाप के पीछे भस्मासुर पड़े हुए हैं, तो भस्मासुर एक होगा या अनेक होंगे? है अनेक होंगे। बाप कृष्ण के रूप में कंस के डर से गांवों गांवों में चक्कर काटता फिरा तो क्या बच्चों को नहीं काटने पड़ेंगे? बच्चों को भी काटने। राम बाप को कांटों के जंगलों की खाक छाननी पड़ती है, जंगल में रह करके रावण से युद्ध करना पड़ता है कि रावण की लंका में जाके युद्ध करता है। युद्ध कहाँ होता है? कांटों के जंगल में रह करके युद्ध करना पड़ता है। कांटों के जंगल में गुप्त रह सकता है या रावण की लंका में गुप्त रह सकता है? कांटों के जंगल में गुप्त रह सकता है। तो बच्चों की भी यही स्टेज आनी है। नाम ही दिया हुआ है गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारी महाभारत युद्ध ये प्रसिद्ध है किस बात के लिए? स्वर्ग का गेट खोलने के लिए। जो जो जितना जितना इस स्वर्ग के गेट से पसार होगा वो उतने ही बड़े स्वर्ग का मालिक बनेगा। स्वेच्छा से ही जाएंगे। मजबूरी में जाते हैं तो क्या स्वेच्छा से जाते हैं के दूसरे की इच्छा से जाते हैं? मजबूरी में भी अगर कोई जाते हैं कि भाई मजबूरी थी
तो मजबूरी उन्हें के लिए हो सकती है, राम वाली आत्मा के लिए मजबूरी नहीं हो सकती है? ज्ञान और अज्ञान की बात है। ज्ञान 100% बुद्धि में बैठा हुआ है तो अज्ञानता की लहरों का मुकाबला कर सकता है। ज्ञान नहीं है तो जो नदियों की लहरें हैं उनके चपेट में आ जाते हैं। ज्ञान होगा तो नहीं आएंगे। ज्ञान अपने आप होता है कि पढ़ाई पढ़ने से होता है? फिर पढ़ाई पढ़ना और न पढ़ना ये स्वेच्छा की बात है या दूसरे की इच्छा की बात है? हैं? स्वेच्छा की बात है। बाप का पार्थिव तो नॉलेज स्कूल तो बन चुके हैं ना सर? से कौन बाप का जो पाठ है? हाँ सूर्य बाप जो है 76 से तो वो नॉलेज स्कूल बन चुके हैं। अगर बाप का चाहे तो जा सकते हैं, बच्चे के लिए रुके हुए हैं। हाँ तो वो तो नॉलेज स्कूल बन चुके हैं तो उनके चपेट में आने का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ प्रश्न कब नहीं उठता है? पढ़ाई पढ़ी है तब नहीं उठता कि बिना पढ़ाई पढ़े नहीं उठता है? हाँ पढ़ाई पढ़े हैं तो प्रश्न नहीं उठता है। बीज एक है या सब है बीज? पहले पत्ते का भी बीज कौन है? तो जो एक बीज है वो उस पहले पत्ते की भी चपेट में नहीं आता। महाभारी महाभारत लड़ाई प्रैक्टिकल में कौन समय कौन रूप में होगा? प्रैक्टिकल में कौन समय होगा कौन रूप में होगा? महाभारी महाभारत लड़ाई ये जब सबके जिसके सर के ऊपर बीतती है उसको पता लगता है कि ये महाभारी महाभारत लड़ाई हो रही है। और राम वाली आत्मा के लिए अभी भी हो रही है या नहीं हो रही है? है अभी भी हो रही। टाइम सबका अपना अपना अलग अलग है। ओम शांति।